Hi guys, this is Saurabh Raj from Business Catalyst Consultant. We are authorized service provider network on Amazon since 4 years, and we have served more than 400 to 500 sellers till date. Basically, we help sellers to increase their sales and fix their account in a proper manner according to the criteria defined by particular e-commerce website. और ये वीडियो बेसिकली हम हिंदी में करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी इंडिया के सेलर्स हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है एज आई गेस, क्योंकि ऑलरेडी 400-500 सेलर्स के साथ हमने काम किया है, तो हमें थोड़ा एनालिसिस है, तो जिसकी वजह से कि हम ये वीडियो को कोशिश करेंगे कि जितना ईजी हम बना सकें आपके लिए ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे इस चैनल का मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को अवेयर कराएं कि वो कैसे अपने छोटे बिजनेस को बड़ा और बड़े बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं कम से कम रिसोर्सेज में, राइट। इस चैनल पे हम वो सारी बातें करेंगे जो कि आपके सेल को इंक्रीज कराने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वेरियस फीचर्स हैं अमेजोन में, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी आपको यूज करनी होगी ताकि आपके अकाउंट और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट और आपके अकाउंट की विजिबिलिटी हो। बेसिकली हम ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल प्रोसीड विद अकाउंट लॉन्च। अकाउंट पहले लॉन्च कैसे करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकाउंट लॉन्च करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे। बेसिकली वी विल टारगेट हियर अमेज़न, और Amazon सेलर अकाउंट के लिए वेब एड्रेस sellercentral.amazon.in है। ये आप अपने सर्च बार में लिख करके सर्च कर लीजिए। ये आपका एक होम पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आगे जो Amazon अकाउंट लॉन्च करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका पहला GST नंबर और PAN इन्फॉर्मेशन होता है, दूसरा आपका एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए ट्रांजेक्शन्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टू इन्फॉर्मेशंस, कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए आपके बिजनेस एड्रेस और कैटेगरी से रिलेटेड। एक बात और ध्यान रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन सबमिट करिए वो यूनिक होना मैंडेटरी है। नाउ लेट्स सी हाउ Amazon वर्क्स। Amazon बेसिकली 5 ईजी स्टेप्स में काम करती है, ये थ्रू आउट मैं आपको बताऊंगा आगे। फर्स्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन, अकाउंट का रजिस्ट्रेशन में जो आपका डिटेल्स चाहिए होता है वो GST इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, PAN इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, और आपका एक एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होता है, जिसके बाद आपका अकाउंट लॉन्च हो जाता है। एक बार आपका अकाउंट लॉन्च हो गया फिर आपको अपना प्रोडक्ट डिटेल लाइव करना होता है, लिस्टिंग जिसको बोलते हैं। तो एक बार आपका प्रोडक्ट जब लिस्ट हो जाता है, लाइव हो गया, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी हो जाता है। जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, फिर आपको एक पेमेंट साइकिल में पेमेंट मिलती है। लेट्स सी Amazon आपसे कितने पैसे लेती है। तो फर्स्ट होता है रेफरल फीस, सेकंड होता है क्लोजिंग फीस, और तीसरा होता है शिपिंग फीस। ये तीनों फीस जो है वो वेरिएबल है प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट वेट के हिसाब से। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट इज़ Amazon फुलफिलमेंट ऑप्शन, जिसको कि हम FBA के नाम से भी जानते हैं। फुलफिल्ड बाई Amazon एक ऐसा फीचर है जिसमें कि हमें अपने प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस तक पहुँचाना होता है। इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon की होती है। जो भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर हमें आते हैं वो खुद ही Amazon उसको पैक करती है और डिलीवर करती है सारे कस्टमर्स को, जिसमें पैकिंग और डिलीवरी स्पीड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये ओवरव्यू था FBA का, और अब आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके अकाउंट लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, और जो भी डिटेल्स यहाँ हैं आपको भर देने हैं। आपको OTP डालना है, फ़ोन नंबर पे जो OTP आएगा। नेक्स्ट आपको अपना स्टोर नेम डालना है, ये यूनिक होता है हर अकाउंट के लिए, आपके लिए भी यूनिक ही आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कैटेगरी मैच करा लीजिए जो कि एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट को मैच करता हो, आपको वही कैटेगरी डालना है, इसमें गलती नहीं करनी है। सारे डिटेल्स करेक्टली भर के और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट 2-step वेरिफिकेशन आपको इनेबल करना होगा। इसके लिए बस आपको, आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वो नंबर आपको वो नंबर पे वापस एक OTP आएगा और कैप्चा आपको भरना है, और इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो बेसिकली लॉन्च हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कैप्चा मिला, इस कैप्चा को आप करेक्टली भरिए। कैप्चा के बारे में आपको बेसिकली पता ही होगा, आपने पहले भी देखा होगा, बट और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप इसको गलत भरेंगे तो आपका ये कैप्चा एरर हो जाएगा। तो जस्ट मेक इट करेक्ट और फिर नेक्स्ट। इसके बाद अब आपको यहाँ से ही ये ऑप्शंस इनेबल कर देना है, आई गॉट इट, प्लीज़ टर्न ऑन द 2-step वेरिफिकेशन। ये आपका सेलर अकाउंट लॉन्च हो गया है, यही आपका पोर्टल है जिस
के थ्रू आप अपने पूरे बिजनेस को हैंडल करेंगे अमेज़ॉन पे।